खामोशी करेंगे तो आपको हिस्ट्री सुनना पड़ेगा वरना आपको मजा नहीं आएगा. ओके, मैं गाइड हूँ. माय नेम इज अली. टू अल्टी फोर्ट. ये अल्टी फोर्ट 1100 साल पुराना किला है. इल्टे बिल्टे टू नेम इज अ बल्टी लैंग्वेज तिब्बतियन वर्ड. सो इल्टे मींस डाउन एंड बिल्टे मींस अप. यानी इल्टे से अल्टी इस गांव का नाम है और बिल्टे से बल्टी उस गांव का नाम है. सो न्यू नेम इज करीमाबाद. ये फोर्ट 1100 साल पुराना और बल्टी फोर्ट 800 साल पुराना. सो इज ओल्डेस्ट. जो बादशाह था उसका नाम था मीर मोहम्मद जमाल खान. इज द किंग ऑफ हुंजा, द लास्ट किंग. उसकी स्टेट खत्म हुई थी 1973 में. जो बादशाह थी यहाँ पे वो 1973 में खत्म हो चुकी थी. इस फोर्ट को बनाने का मकसद, उस दौर में जंगें होती थी, हमले होते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के किले बनाया करते थे. और बनाने वाले बल्तिस्तान से आई थी. एक रानी की शादी वहां से यहाँ हुई थी, उसका नाम शी खतुम था. उस शी खतुम के साथ कुछ बाराती भी आए थे यहाँ पे. जब वो लोग यहाँ आके देखा तो इतनी बड़ी फोर्ट बनी थी, छोटी सी फोर्ट बनी हुई थी. फिर उस रानी ने अपने वालिद को मैसेज भेजा, मुझे जहेज में गिफ्ट में एक फोर्ट बना के दे दे. यानी उस दौर में ये फोर्ट उसको जहेज में बना के दिया था. ये फोर्ट 2006 में रिपेयर हुआ है. 2006 लास्ट रिपेयरिंग. AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है. अभी ये फोर्ट उसी इदारे के अंडर में है. ये मेन एंट्रेंस गार्ड रूम, यहाँ पे गार्ड्स होते थे. बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखते थे, अंदर तहखाना जिंदा वहां जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी. सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम. एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर. बिफोर इस्लाम, इस्लाम आने से पहले शराब इस्तेमाल करते थे क्योंकि सर्दियां ज्यादा, तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए वो शराब भी पीते थे और स्टोरेज भी करते थे. ये वाइन स्टोरेज है जी. और ये जो खड़ी पिलर है बीच में सेंटर में, ये एक खड़ी कब्र है. ये खड़ी कब्र है. दो भाई थे, दोनों के आपस में खिलाफात. बड़े भाई को बादशाह छीननी थी लेकिन छोटे ने बगावत किया. जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है. सो स्टिल इनसाइड इसकी कुछ हड्डियां हैं, यानी ढांचा उसका है अंदर. जब 2006 में ये रिपेयर हो रहा था, इससे पहले इसकी स्कैनिंग की गई थी. कुछ हड्डियां हैं, कुछ हड्डियां गल चुकी है. उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी सजा से फेंकना या किसी बर्फ की खाई में डालना, यानी उस दौर में इस तरह के ही सजाएं देते थे. राइट साइड पे छोटे छोटे विंडो या सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि उस तरफ से कोई दुश्मन हमलावर अटैक करे तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस तरह के विंडो हर पोर्शन हर कमरे में बनाया गया है. सो टू रीजन, दरवाजे छोटे रखने का भी रीजन है. दुश्मन आते थे, हमलावर एनिमीज हमला करते थे तो एकदम स्पीड से फोर्ट के अंदर इंटर ना करे. जैसे ही दुश्मन आएगा सर झुका के अंदर घुसेगा तो उसका सर कलम किया जाए. और दूसरा रिस्पेक्ट, क्योंकि बादशाह के सामने सर झुका के अंदर इंटर हो. वैसे तो यहाँ पे घर के दरवाजे विंडो भी छोटे करते हैं. इन्वेंटर्स माइनस टेम्परेचर 10 से 15 यानी 20 तक भी जाते हैं, माइनस टेम्परेचर में जाता है. और दिसंबर जनवरी में होती है बर्फबारी. सो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमरे की तरफ. नेक्स्ट ये कौन सी है? ये वाइन सेलर, शराब की स्टोरेज नहीं होती. जो अंगूर होते हैं ना, उनको हमेशा इसके अंदर भटके में जब रखते हैं, आफ्टर सम टाइम वो शराब बन जाती है. सर ये बेसिकली उसका बनाने का एक वो है. नहीं नहीं, जहाँ वो भी ठीक है, बट वो एक पॉट होता है, एक बर्तन होता है, उसमें रखते हैं. वही घड़ा टाइप होता है, उसी में बंद करके यहाँ पे सिर्फ ठंडा रखने के लिए रखते थे. जो तैयार शुदा होता था वो रखते थे यहाँ पे स्टोरेज. चले आज कुछ थोड़ी